तो ये आज के दिन का दूसरा मैच जो खेला जा रहा है वो खेला जा रहा है बुगार वॉरियर वर्सेस रॉकेट बॉयज पनोग। तो बुगार वॉरियर ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। आज के हमारे ओपनिंग के चीफ गेस्ट मिस्टर हरीश गुप्ता जी, जो कि हरीश एंटरप्राइजेस के ओनर है। धीरे धीरे हमारे चीफ गेस्ट ग्राउंड की ओर से स्नान करते हुए किसे करके तोड़ से उनका स्वागत किया जाए, मेरा आपसे निवेदन है। हमारे टीचर शिक्षा जी ग्रांति तो हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर हरीश बिकटा जी हल्के हल्के कदमों से ग्राउंड की ओर आते हुए आज के हमारे ओपनिंग के चीफ गेस्ट मिस्टर हरीश बिकटा जी हमारे समक्ष आ चुके हैं। खिलाड़ियों से विनम कर रहे हैं हरीश बिकटा जी, हरीश एंटरप्राइजेस। तो ये नो की टीम हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं झीला घाट में। उनके साथ हमारे रामकृष्ण जी, ये बुगार की टीम जो मांगी लड़को की धन्यवाद जी। तो हमारे चीफ गेस्ट जी यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इस समय यहाँ पे फोटो सेशन हमारे समाज हरीश बिकटा जी, जो कि हरीश एंटरप्राइजेस के ओनर है। स्वागत करते हैं मिस्टर दीक्षित जी। हमारे चीफ गेस्ट जी आज के आपकी बरकरार है। और इस तरह से हम हरीश गुप्ता जी का आप उनको धन्यवाद करते हैं वो हमारे समक्ष आए और उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए उनका काफी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मंच पर आकर बैठ जाए। तो इसी के साथ आज के दिन का ये दूसरा मैच शुरू होता हुआ
जिसमें की बकार वॉरियर पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस जीत कर। कीपरिंग का बात संभालेंगे मिस्टर अंकित रॉय, जाने माने हस्ती पनोक टीम की। काफी अच्छे से जानते होने आप ही ने। और गेंदबाजी का भार संभाला है मिस्टर दिनेश जस्टा जी। इन्हें आप काफी अच्छे से जानते होने। फील्डिंग है मिट्टू भाई, फील्डिंग है। बढ़िया बॉलिंग है तुम्हारी, बढ़िया बॉलिंग यार, शाबाश। इसी के साथ बार ने अपना खाता खोला एक रन से, और अभिषेक ने भी अपना खाता खोला। चलो अर्जुन करा सामना करेंगे। और बगार से लगने वाला ये पहला झटका सुशील के रूप में शाबाश शाबाश दीनू भाई यार। अगर तो आप किट में आते तो चले अगली मरतबा सामना करेंगे निखिल। और इसी 6 रन के साथ स्कोर का संख्या 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे अभिषेक। और इसी 6 रन के साथ स्कोर का संख्या 14 रन 1 ओवर की समाप्ति पर। बगार के कैप्टन ने ही बाउंड्री के बाहर कैच किया। और देखते हैं दूसरा ओवर किसके कंधे जवाब में प्रतीक्षित आया है। सामना करेंगे निखिल। काफी गंदी फील्डिंग देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर सुनो किंग्स द्वारा। और इसी 4 रन के साथ स्कोर क्या पहुंचा 18 रन। चलो अभी
बल्लेबाजी देखने के लिए मिल रही है यहाँ का मुख्य द्वारा काफी जल्दी गेंदबाजी कर रहे हैं इसे देखिए। तो चलो अगली मरतबा नगर निगम के काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम बनाने के लिए चलो हम कल से तरफ से सामना करेंगे अभिषेक खेल गया काफी अच्छी फील्डिंग वहाँ पर कमेंट्री है उच्चे कमेंट्री है काफी महंगा ओवर पड़ता हुआ है समोक के खिलाड़ियों को देखते हैं कैप्टन किसे गेंदबाजी का दर्शन डालते हैं। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर 32 रन और देखिए गेंदबाजी का दर्शन डाला गया है अक्षय पर काफी अच्छे गेंदबाज काफी एक्सपीरियंस है उनको लेफ्ट हैंड बॉलर है सामना करेंगे अभिषेक सजाते हुए अक्षय काफी बड़ा रहना शुरू किया सामना करेंगे अभिषेक और अच्छी कीपर के हाथ से छूटी है सीधा एक रन चुरा लिया इसी एक रन के साथ स्कोर पर पहुंचा 33 रन और बड़ा झटका लगता हुआ बगार की टीम को निखिल के रूप में 18 रन बनाकर आउट हुए मिस्टर निखिल 18 रन का योगदान दिया उन्होंने अपनी टीम बगार के लिए और देखते हैं निखिल का स्थान लेने कौन आता है निखिल का स्थान लेने आए हैं मिस्टर बंटू और आज के समाक्ष यहाँ पर कैस्टर फाइनल सम्मानित किया जाएगा हम लोग के दर्शन करेवटा जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और जो भी ये स्ट्रीम देख रहा है कृपया करके लाइक शेयर एंड कमेंट करें। शेयर जरूर से जरूर करें ताकि सभी खिलाड़ी भाई जो घर पे बैठे हैं वो कृपया करके मैच का आनंद ले सके। अच्छे फिर चलो अगली मरतबा अंकल के तरफ से उठाना शुरू किया सामना करेंगे बंटे अच्छी गेंद उतना ही अच्छा सम्मान दिया दो रन नहीं तो कभी नहीं मिस्टर प्रदीप सल्टा गाड़ी की चाबी बढ़िया वाली अक्षय गाड़ी की चाबी अंकल के तरफ से फिर चले
जामनगर के बंटी अच्छी है, काफी अच्छा ओवर कर रहे हैं इस समय यहाँ पर अक्षय। एक रन दिया है कुल मात्र अपने इस ओवर में। अच्छे जो चले अपनी मर्तबा हलचल के कदम से जामनगर के बंटी तीन ओवर की समाप्ति पर 37 रन दो विकेट के नुकसान पर। कोटे का दूसरा और तारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं। काफी सीनियर खिलाड़ी है और काफी अच्छा ओवर डाला था उन्होंने पिछला। अच्छे ओवर में चले हलचल के कदम से सामना करेंगे अलजोर को खेल दिया है बाहर छोड़ने के लिए इसी छह रन के साथ स्कोर का पहुंचा 43 रन। क्या था यह छठी बार उन्हें शनि मर्तबा सामना करेंगे अभिषेक काफी अच्छा असर था काफी सीनियर खिलाड़ी है वो भी मिस्टर अमित काफी लंबे अच्छे से सेवाएं दे रहे हैं अपनी टीम में सुशी तनोज के लिए। सर चलो थोड़ा सा रन अपने खराबी होती हुई शनि मर्तबा सामना करेंगे बंटी पर अपील की यहाँ पर नकारा कोई दबाव नहीं विकेट निकाल लो। अगली मर्तबा हलचल के कदम से सामना करेंगे बंटी और अच्छी रनिंग काफी अच्छा असर दे रहे हैं वहां पे दिनेश जी इस उम्र में भी इसी एक रन के साथ स्कोर का पहुंचा 45 रन। इस उम्र में भी काफी अच्छी फिटनेस है उनकी। तो चलो अपनी मर्तबा सामना करेंगे अभिषेक के लिए और इसी छह रन के साथ स्कोर का पहुंचा 50 रन पूरे होते हुए बगार की टीम के। दिनेश चलो अपनी मर्तबा काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर अभिषेक अपनी टीम बगार के लिए। तो चलो अपनी मर्तबा अच्छी है समाप्ति पर स्कोर 51 रन दो विकेट के नुकसान पर। अब कैप्टन देखते हैं किसके कंधे पर गेंदबाजी का भार संभालते हैं मिस्टर अक्षय। पिछला ओवर उन्होंने काफी अच्छा डाला था 5 रन दिए थे मात्र वो भी एक चौका स्पीड का था उनकी कोई गलती नहीं। अच्छे कोटे का दूसरा और पारी का 5वां ओवर लेकर आए हैं और जल के कदम से सामने शुरू से अल्पायर की बदले बता के सामने करेंगे गेंदबाजी और इतना ही अच्छी स्टंप है यहाँ पर उनके द्वारा देखे ममता ने नकारा अभिषेक जो की काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं बगार टीम के लिए। अगर उन्होंने लंबा स्कोर लेना है तो इसी तरह खेलना होगा अक्षय फिर चलो काफी अच्छी है
अच्छी गेंदबाजी करते हैं मिस्टर अक्षय, आज भी वही जज्बा है उनके अंदर जो आज से 7-8 साल पहले था। काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अभिषेक के द्वारा काफी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो चले चार रनों के लिए 4 रन के साथ स्कोर का पहुंचा। रन बनाकर खेल रहे मिस्टर अभिषेक, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम बघाड़ के लिए। और देखिए अगली गेंदबाज का बार संभाला है मिस्टर सचिन, सर्कल के कदमों से ईशान नगर के बंटी और इसे खेल दिया के लिए। काफी टाइम की शाम था इनका बल्लार, पहला छक्का लगता हुआ बंटी के बल्ले से रन के साथ 66 रन। सचिन अगली मरतबा ईशान नगर के बंटी खेलने के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर दोनों खिलाड़ी बगार के। अभिषेक एंड मिस्टर बंटी 72 रन अगली मरतबा ईशान नगर के बंटी छक्के लग चुके हैं मिस्टर सचिन को। बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर मिस्टर बंटी और 6 रन के साथ स्कोर हो चुका है 78 रन। सचिन अगली मरतबा सामने करेंगे बंटी और देखिए नाटक लगा रहा है पर अंपायर पर गई दबाव नहीं। थर्ड अंपायर यहाँ पे अपील की थी मिस्टर अंकित ने लेकिन नकारा यहाँ पर अंपायर वाकी ने। बंटी छोटा छक्का मारना चाहते थे लेकिन बीच में सचिन तो चले अभी मरतबा सामना करेंगे बंटी। अच्छी गेम काफी अच्छी गेम, 3 छक्के 2 छक्का उसके बाद 2 गेंदे बैट कर चुके हैं मिस्टर सचिन को क्या पहुंचा 78 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। तो चले अभी मरतबा और शाबाश मिट्टू भाई, शाबाश शाबाश, निकाल लिए विकेट।
अगर कोई खिलाड़ी शतक मारेगा तो उसे 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रकाश डालियो। अरे जो कि काफी सुंदर और सुलझे गेंदबाज है, हल्के हल्के कदमों से शुरू किया, सामना करेंगे अभिषेक। नहीं रन लेना चाहते थे मुझे बंटी में चुन कर अभिषेक ने, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं स्कोर अभी भी। काफी सीनियर गेंदबाज है। तैंतीस रन बनाकर आउट हो गए सर अभिषेक। चार छक्के मारे उन्होंने अपनी टीम बगार के लिए। जो भी दर्शक लाइव मैच देखना चाहते हैं वो YNC करोड़ के पेज पर लाइव करें, वहां से देख सकते हैं वो। मेरा सभी खिलाड़ी भाइयों दर्शकों से निवेदन है, कोई भी लाइव मैच देखना चाहते हैं वो YNC करोड़ के पेज पर जाए। और पेज को लाइक कमेंट और फॉलो करें। हमें तभी मरतबा सामना करेंगे। पहली गेंद में सिंगल निकाल दिया, काफी अच्छा सब बंटी जो की पिछले ओवर में जिन्होंने चार छक्के मारे थे, देखते हैं शोर में क्या कर पाते हैं। अनिल जी को मारना थोड़ा मुश्किल होगा। अनिल अगली मरतबा सामना करेंगे बंटी। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आकर बंटी। 36 रन बनाकर खेल रहे हैं मिस्टर बंटी। 91 रन। तीन बार का स्कोर। अपील की लेकिन नकारा। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 97 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। देखिए गेंदबाजी का दौर संभाला है मिस्टर दीक्षित पर, स्कोर 97। 7 ओवर की समाप्ति पर ऊपर से आउट भी दीक्षित कोटे का दूसरा और तारी का 8वां ओवर आखिरी ओवर लेकर आए हैं। दीक्षित सामना करेंगे सोन। और उसी के साथ एक शायद रन बगार का स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ। 4 रन पूरे कर दिए यहाँ पर बगार की टीम ने। यहाँ पे कोच काफी खुश होते हुए बंटी की बल्लेबाजी देखकर शाबाशी दे रहे हैं। काफी दूर बैठे थे अभी तक, काफी नजदीक आ चुके हैं। देखिए फसल होगी मरतबा और कर दिया है। देखिए तुमने